बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ है, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इसमें आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। नीतीश सरकार के इस फैसले का राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी समर्थन किया है। अब यह विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी अपील है कि केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना कराए। उन्होंने केंद्र से भी आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। सदन में सीएम ने विशेष राज्य की दर्जा का मुद्दा फिर से उठाया। विधेयक में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का जिक्र नहीं होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले की तरह लागू रहेगा। हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को 10% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया से 2 साल पहले, और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है। और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए, और ये चीज हो जाएगा तो 65% ये 10% तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार।